नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 3। प्रॉब्लम सेट 3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट का, इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपको प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। आप 100% मुझे बाद में कमेंट आने वाला है कि सर सही में बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, और बिल्कुल नहीं आएगी 100%, मुझे पूरी गारंटी है। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या देके रखा है, डिवाइड 207 इन द थ्री पार्ट्स। 207 को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, सच दैट द ऑल पार्ट्स आर इन एपी। तो तीन पार्ट में डिवाइड करना, तीनों के तीनों एपी में है। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी तीन टर्म आपको एपी में सपोज करनी हो तो क्या करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वो क्या कहा था मैंने, दैट वाज ए माइनस डी ए ए प्लस डी। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराते समय आपको करवाया था प्रैक्टिस सेट 3.3 में। ठीक है, तो हम तीन टर्म हम क्या सपोज करेंगे, ए माइनस डी ए ए प्लस डी। ओके, लिखिए यहां क्वेश्चन नंबर 9, यहां लिखिए सपोज थ्री टर्म्स ऑफ एपी आर ए माइनस डी ए ए प्लस डी। तीन टर्म्स ये है। कंडीशन 1 हमें क्या देके रखी है, वहां देके रखा है कि डिवाइड 207 इन थ्री टर्म्स, इन तीनों का सम फिर कितना हो जाएगा, 207 होगा। लिखिए यहां कंडीशन 1, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 207। क्या करेंगे, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, यहां ए ए ए कितना हो गया, ये 3a हो गया, ये 207 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 207 अपॉन 3, 3 6 18, बचते हैं 2, 39। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a हमें मिल गया, दैट इज 69। आगे कंडीशन सेकंड हमें क्या देके रखी है, कंडीशन सेकंड कहता है प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स। देखिए तो बढ़ रहा है, तो स्मॉलर वाले ये दोनों है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। ओके, यहां लिखिए कंडीशन 2, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट दैट इज 4623। तो स्मॉलर पार्ट्स कौन से, ये दोनों, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो हम यहां पर, a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल टू 4623। ए की वैल्यू मुझे 69 मिली है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो ए स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, a की जगह 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4623। इस 69 को इसके अपॉन में दे दो, 69 माइनस डी 4623 अपॉन 69। क्या करेंगे, 3 से कैंसिल करो, 3 टू जा 3, 3 जा 3, 1 जा 1, और 1 और 6 16, 3 5 जा 15, 1 बचता है 1 टू 12, 3 4 जा 3, 1 जा। ओके, क्या करेंगे, 69 माइनस डी इज इक्वल टू, जब आप 1541 को 23 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 67। ठीक है, 67 को उधर शिफ्ट करो, डी को उधर लेके जाओ, 69 माइनस 67 इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू आ गई 2। हमारे पास टर्म्स क्या थी, सो देन थ्री टर्म्स ऑफ एपी क्या थी, वो थी हमारे पास में ए माइनस डी ए ए प्लस डी। सबकी वैल्यू पुट कर दो, ए माइनस डी मतलब 69 माइनस 2, 69 69 प्लस 2, तो 69 में से 2 गए तो 67, 69, 71। सो द थ्री टर्म्स ऑफ एपी आर 67, 69 एंड 71। इस तरह से क्वेश्चन करना था, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहां देखे रखा है देर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। एक एपी है उसमें 37 टर्म्स है। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं सपोज
एपी इज टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ओके एंड टी थर्टी सेवन. क्या बोलता है आगे, आगे देखे रखा है कंडीशन वन द सम ऑफ द थ्री टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडिल इज 225. इनके बीच की जो थ्री टर्म है एग्जैक्टली सेंटर वाली जो टर्म्स है उनका सम देखे रखा है 225. वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास लास्ट टर्म है 37, हमें पास नंबर है कि 37 है, 37 की मदद से हम सेंटर वाली टर्म निकाल लेंगे. तो यहां लिखो, यहां एन इज इक्वल टू कितना है 37, तो लिखो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म होगी दैट विल बी एन प्लस वन अपॉन टू मीन्स 37 प्लस वन अपॉन टू 38 अपॉन टू मतलब 19, मतलब टी 19th विल बी मिडिल टर्म. अब अगर ये मिडिल टर्म है तो क्या बोलता है वो कि मिडिल टर्म अगर टी 19th यहां पर कहीं आता है, ओके मैं थोड़ा 37 को दूर लिख लेता हूं, ठीक है थोड़ा दूर लिखते हैं 37 को, हम सपोज यहां 37 लिखते हैं, टी 19th यहां पर है, कहां है टी 19th, टी 19th बिल्कुल सेंटर में, इधर और इधर के बिल्कुल सेंटर में, वो क्या बोलते हैं द सम ऑफ द थ्री टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडिल. तो इसके पहले वाला टी 18 और इसके बाद वाला टी 20, इन तीनों का सम देके रखा है क्या 225. लिखो यहां कंडीशन वन द सम ऑफ थ्री टर्म्स एग्जैक्टली एट मिडिल दैट इज 225. मतलब क्या होगा, सम ऑफ टी 18 प्लस टी 19 प्लस टी 20 इज इक्वल टू 225. कंडीशन वन है, ठीक है. यहां पर हम क्या करेंगे, टी 18 टी 19 टी 20 सबकी जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं हमारे पास में, हमें ये जो हमने सपोज किया है इसमें एक काम करो, यहां पर सपोज करते समय एक और लिख लो कि फर्स्ट टर्म टी 1 जो है वो ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी है, यह क्वेश्चन में लिखना है आपको, ठीक है. तो 18th टर्म क्या होगी, वो होगी ए प्लस 17d, 19th टर्म ए प्लस 18d, 20 टर्म ए प्लस 19d इज इक्वल टू 225. ए ए ए 3 है, 17 18 35 और 20 55, ये हो गया 54d इज इक्वल टू 225. पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 3 3 8 24 d एज इट इज, ये होगा 75. इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन होगी. क्या बोलता है आगे, अब इस 37 को मैं थोड़ा इधर लिख लूं, जगह हो जाएगी हमारे लिए. आगे बोलता है अगली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स, कंडीशन सेकंड, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स क्या देके रखा है 429. लास्ट थ्री टर्म्स मतलब 37 36 एंड 35 मींस T35 T36 T37 is 429. T35 क्या होगा, वो होगा A प्लस 34D, ये होगा A प्लस 35D और ये होगा A प्लस 36D 429. देखो भाई A A A 3A हो गया, 36 और 34 70 और ये हो गया 105D इज इक्वल टू 429. फिर से क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, A प्लस 3 3 9, 3 5 15, 35D इज इक्वल टू 3 1 3, 1 2 12, 3 4 3 3. इक्वेशन टू, देखिए इक्वेशन वन आ गई, इक्वेशन टू आ गई, ठीक है. ये एट द मिडिल में इधर लिख दूं, द सम ऑफ द थ्री टर्म एग्जैक्टली एट द मिडिल दैट इज 225. थोड़ा यहां जगह हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है. अब यहां लिखो, टेक इक्वेशन वन एंड टू. इक्वेशन वन क्या है, ए प्लस 18 डी
a plus 18d is equals to 75 और ये है a plus 35d is equals to 143. क्या बोल के रखा है हमको, क्या निकालना है, ap निकालना है, तो निकल जाएगी ap, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट कर दें इसको, क्योंकि सेम पेयर है, अपोजिट साइन चाहिए. यहां सबट्रैक्ट लिख दो भाई, कैंसिल हो गया. 35 में से 18 गया तो माइनस 17d, 3 में से 5 गया तो 8, और यहां आया 6, ये भी माइनस में. ठीक है, क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 17d इज इक्वल टू 68, तो d हो गया 68 अपॉन 17, d आ गया 4. क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, a एज इट इज, 18 एज इट इज, d की जगह 4, 75. A as it is 18 for the 72, 75. तो A हो गया 75 minus 72. तो A आ गया 3. ठीक है, हमें क्या निकालना है, A निकालना है, A plus D निकालना है, A plus 2D निकालना है, and so on निकालना है. AP कहाँ है निकालने के लिए, तो A हो गया 3, D है हमारा 4, 3 plus 4, ये है 3 plus 2 into 4, and so on. मतलब 3, 7, 4 to the 8, 11, कितना बढ़ रहा है, 4 और 4 बढ़ेगा 15, एंड सो ऑन. बस इस तरह से इसको करना है. ओके, अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. आइए अब 11th क्वेश्चन करते हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हॉट्स में आएगा, स्टार क्वेश्चन देके रखा है, और सही में हॉट्स जैसा ही ये क्वेश्चन है. मतलब डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, लेकिन आपको वहां पर कॉन्सेप्ट यूज करना है बराबर. डरना नहीं, आई एम विथ यू. क्या देके रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, सेकेंड टर्म इज बी, एंड द लास्ट टर्म इज सी. ठीक है, फर्स्ट टर्म देके रखी है, सेकंड टर्म देके रखी है, लास्ट टर्म देके रखी है. क्या बोलता है, प्रूव दैट, शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स. क्या बोलता है, शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स. क्या देके रखा है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, दैट इज ए प्लस सी, ए प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में क्या देख रखा है, सी, थोड़ा हम बराबर लिख लें, ए प्लस सी, आगे है बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए. हमें ये बताना है कि इन सबका सम ये है. ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन लिखिए. क्या होगा, फर्स्ट टर्म देखे रखिए, टी वन क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, टी एन हमारे पास में सी है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए है. ठीक है, टीएन पे हम आते हैं, टीएन हमें देके रखा है, टीएन है सी देके रखा है. टीएन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी. देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमको एन मिल जाएगा, और फिर बाद में हम जो सम का फार्मूला रखेंगे उसमें एन की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे. ए की जगह ए, n की जगह n माइनस वन, d की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, b माइनस ए इज इक्वल टू c. ठीक है, क्या करेंगे अब, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका पूरे का, तो होगा a प्लस n का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एन बी, या फिर एक काम करो ब्रैकेट में सिर्फ n का ही मल्टीप्लाई करो, a प्लस एन बी माइनस ए माइनस वन b माइनस ए इज इक्वल टू सी. ठीक है, अब क्या करेंगे, a प्लस एन बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी. क्या करेंगे, यहां a a 2a हो गया, इन सबको उधर भेज दो. ठीक है, ये क्या आएगा, एन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी, ये माइनस बी है इधर आके प्लस बी हो जाएगा, a a 2a इधर जाके माइनस 2a हो जाएगा. देखो मैं फिर से समझा दूं यहां कैसे किया मैंने, ये तो एज इट इज है, C as it is है. ये b माइनस में इधर आके प्लस बी हो गया, दोनों a a 2a है, ये इधर जाके माइनस 2a हो गया. इसको इसके अकाउंट में दे दो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, ये लिख लो, यहां देखे रखा है c प्लस बी माइनस 2a, तो इसको b प्लस सी माइनस 2a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, b को आगे लिख दिया, c को इधर लिख दिया, माइनस 2a अपॉन b माइनस a. देखो जरा क्वेश्चन पे आओ, तो ये पार्ट आ गया ऊपर का, नीचे वाला भी आ गया, हमें क्या फार्मूला मिल गया, कोई चिंता वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं.
ठीक है, SN का फार्मूला क्या होता है, वो होता है N अपॉन 2, और यहां हम T1 प्लस TN पुट करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, ठीक है। N की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 अपॉन 2 मैं ऐसे लिखता हूं, N की जगह आएगा B प्लस सी माइनस 2A अपॉन B माइनस A, और T1 की जगह आएगा A और TN की जगह आएगा C, ठीक है। A प्लस C को आगे ले आओ, ये ऊपर वाला एज इट इज बी प्लस सी माइनस 2A एज इट इज, नीचे 2 B माइनस A, ये हो गया ऐसे। देखो मैच कर लो आंसर, A प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2A अपॉन ये। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ने में कैसा लगता था पता नहीं क्या है। तो डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो उनको सिंपली सॉल्व करना होता। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट टर्म ए हमारे पास था, सेकंड टर्म था हमारे पास, लास्ट टर्म थी, हमने यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। लास्ट टर्म की हेल्प से हमने यहाँ टी एन की वैल्यू पुट करी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह ए एन माइनस वन को ऐसा लिखा, डी की जगह बी माइनस ए लिख लिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए था। इस एन का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, माइनस वन का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। मैंने एन का अंदर जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमको यहां से एन की वैल्यू निकालनी है, अगर आप कर देते तो बाद में फिर आपको एन कॉमन निकालना पड़ता। मैंने माइनस वन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये मिल गया, इसे ऐसे रहने दिया, ये ए और ये माइनस भी इधर आ गया। देखो सी एज इट इज, देखो ये पार्ट एज इट इज, सी एज इट इज, ये माइनस भी इधर आके प्लस भी हो गया, ए ए टू ए इधर जाके माइनस टू ए हो गया, इसको इसके अपॉन में दे दिया तो ये आ गया। हमने अरेंज करते समय सी प्लस बी है तो हमने बी प्लस सी लिख दिया, आगे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ये एन की वैल्यू आ गई। फिर एस एन का फार्मूला लिखा था, एन अपॉन टू टी एन प्लस टी वन प्लस टी एन, तो टी वन की वैल्यू ए और टी एन की वैल्यू सी, और एन की वैल्यू ये एज इट इज यहां पर पुट कर दी, बस इसको मैंने आगे लिख लिया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वी गॉट द आंसर। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, इन दिस वे वी हैव टू डू। अगर आप लिखना चाहे तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सिर्फ वहां पर जो नंबर्स हैं वो बदल गए हैं, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। आइए हम 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन देके रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म इज जीरो, और देखे रखा पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। तो पहले हम चलते हैं द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एपी देखे रखा है, तो एक काम करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यहां लिखो सपोज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ऑफ एपी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो पी टर्म्स देखे रखी है, क्या देखे रखी, पहली कंडीशन द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एपी, दोनों इक्वल है, मतलब क्या, यहां पर देखे रखा है एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, पी टर्म और क्यू टर्म, ठीक है। एस पी क्या होगा, पी टर्म्स है यहां पर एन पी का काम करेगा। फार्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन का फार्मूला होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो n की जगह मैं p पुट करूंगा, बाकी एज इट इज रहेगा, तो p टर्म क्या हो जाएगी, सम ऑफ द p टर्म्स दैट विल बी p अपॉन 2। ये काम करता है, मैं ऐसे नहीं करता हूं, आपको ऐसा अगर डिफिकल्ट लगता है तो ज्यादा वो रहेगा, यहां लिखो सम ऑफ p टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, वो sp होगा, तो sp आप कैसे निकालेंगे, एसपी आपको यहां पर निकालना है, ओके एसपी आपको क्या करना है, निकालना है। उसके लिए देखिए ए की जगह आप ए पुट करेंगे, डी की जगह आप डी पुट करेंगे, और यहां पर एन की जगह पर आप पी पुट करेंगे क्योंकि पी टर्म्स है। अब मुझे एसपी निकालना है, तो एसपी का फार्मूला मैं पुट करूं, तो एसपी का फार्मूला लिखने के लिए मुझे पहले एसएन का फार्मूला लिखना पड़ेगा। एसएन का फार्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो n की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, n की जगह पर मैं p पुट करूंगा, बाकी तो ऐसा का वैसे ही रहेगा, तो sp होगा p अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। यहां लिखो सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, फर्स्ट क्यू टर्म्स निकालना होगा तो p की जगह q लिख दो,
एस क्यू क्या होगा, क्यू अपॉन टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो गए। लिखो यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, लिखो पी अपॉन टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, टू टू कैंसिल, पी का अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा टू पी ए प्लस पी इंटू डी पी माइनस वन, क्यू का अंदर मल्टीप्लाई टू क्यू ए क्यू इंटू डी क्यू माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फार्मूला तो मैंने जो लिखा था मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये पूरा का पूरा हम ऊपर लिखते हैं, टू पी ए प्लस पी डी पी माइनस वन, और ये है टू क्यू ए क्यू डी क्यू माइनस वन। एक काम करो, ब्रैकेट ये वाला और ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, ये होगा टू पी ए प्लस पी स्क्वेयर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू टू क्यू ए क्यू स्क्वेयर डी माइनस क्यू डी। इन सबको इधर लेके आओ, टू पी ए प्लस पी स्क्वेयर डी माइनस पी डी माइनस टू क्यू ए माइनस क्यू स्क्वेयर डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू जीरो। देखो ये तीनों तो ऐसे के ऐसे मैंने लिख दी है, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब इसमें अरेंज करो, इन दोनों को साथ में लिखो, टू पी ए माइनस टू क्यू ए प्लस पी स्क्वेयर डी माइनस क्यू स्क्वेयर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू जीरो। समझ लो मैंने कैसे लिखा है, ये यहां लिख लिया, ठीक है, उसके बाद में इसको यहां लिख लिया, ठीक, ये पी स्क्वेयर डी यहां पर, ये क्यू स्क्वेयर डी यहां पर, ये पी डी और क्यू डी यहां लिख दिए। अब यहां टू टू की पेयरिंग हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, टू टू की पेयरिंग हो जाएगी, क्या करेंगे हम, टू ए कॉमन निकालो, यहां बचेगा पी माइनस क्यू प्लस, यहां डी कॉमन निकालो, यहां बचेगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, यहां दोनों जगह पर देखे किसी भी पेयर में माइनस हो तो माइनस कॉमन निकालो, दोनों जगह डी है तो डी कॉमन निकालो, यहां बचा पी माइनस क्यू जीरो टू जीरो। देखो यहां भी पी माइनस क्यू है, यहां भी पी माइनस क्यू है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको पी पी प्लस पी पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू लिख देते हम, तो लिखो यहां पर टू ए पी माइनस क्यू प्लस डी पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू माइनस डी पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब पी माइनस क्यू सब जगह से कॉमन निकाल लो, तीनों जगह से, तो यहां है पी माइनस क्यू, क्या बचता है टू ए प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। देखो ये निकल गया तो टू ए बचा, ये निकल गया तो ये बचा, और ये निकल गया तो माइनस डी बचा, क्या करेंगे, पी माइनस डी को जीरो के अपॉन में दे दो, पी माइनस डी को जीरो के अपॉन में दे दो, तो यहां क्या बचेगा टू ए प्लस, देखो डी है डी है, तो ये होगा पी प्लस क्यू एज इट इज रखो माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। क्या किया मैंने, मैंने यहां से दोनों जगह से d को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा था, एक और तरीका है कि पहले मैं इसको लिख लूं जो है, ठीक है, ये 2a as it is, d as it is, p plus q as it is, minus d as it is equals to zero, इन दोनों में से d कॉमन निकालो, तो 2a plus d कॉमन निकालो तो क्या हुआ p plus q minus 1 is equals to zero, मतलब ये क्या हो गया 2a plus p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी में बाद में लिख दो, तो ये हो गया इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन लिख दो। अब क्या करना है, हमको क्या बोलता है आखिरी में, शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो, p प्लस क्यू टर्म जीरो के इक्वल है। देखो यहां लिखो, हमें शो करना है द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो, तो सम ऑफ
first p plus q term. Sum of first p plus q term क्या होगा? Terms क्या होगा? Formula क्या होता है? Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. देखो भाई, n की जगह में क्या put करूँगा? P plus q put करूँगा. तो s p plus q is equal to p plus q, क्योंकि n की जगह p plus q है, upon 2, 2a plus n की जगह p plus q माइनस वन इंटू डी. ओके, अब देखो ये जो वैल्यू है, ये मैंने क्या लाई है, देखो 2a प्लस p प्लस q माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल. तो इसको जीरो पुट कर देते हैं, तो s p प्लस q किसके इक्वल हो गया? p प्लस q अपॉन 2 इंटू जीरो के. तो भाई जीरो हो गई, तो s p प्लस q टर्म्स क्या हो गए? इनका सम हो गया जीरो. देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब वो कहते हैं हिंदी में खुदा पार निकला चूहा, वैसा है. इतना बड़ा क्वेश्चन के आंसर आए जीरो. ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है बिल्कुल इसी की तरह है, मतलब अल्टीमेटली हमको आखिरी में यही मिलने वाला है उसको सॉल्व करते हुए, और बाद में हमको इस तरह से प्रूफ करना है. डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है. लेट मी इरेज दिस, फिर उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं, उसकी एक एक स्टेप पढ़ते हैं. ठीक है, मैं इस साइड का भी इरेज नहीं करता हूं, उसको रहने दो. ओके, क्या देखे रखा है, देखिए एम टाइम्स एम्थ टर्म. तो पहले तो भाई क्वेश्चन नंबर डाल दो, यहां लिखो सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी. क्या बोलता है, एम टाइम्स एम टर्म, एम टाइम्स एम्थ टर्म इज इक्वल टू m times mth term is equal to n times nth term, n times nth term. Then क्या बोलता है आगे, then show that the sum of, then show that the m plus nth term of AP is zero. हमको ये बताना है t of m plus nth term ये जो है zero है, show that, ये हमको show करना है. ठीक है, अभी हम इस पे बाद में जाएंगे, पहले हम इस पे आते हैं. भाई हमारे पास a आ गया, d आ गया, mth टर्म है, तो मैं m को m लिखता हूं. इसका tm क्या होगा, वो होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी. ये n का n, ये क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी. देखो भाई mth टर्म है तो n की जगह m, और nth टर्म है तो n की जगह n. अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करें इसका, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा एम ए प्लस ये m, ये d यहां पर m माइनस वन, ये n है, फिर ये n, d को आगे लिख लो, ये n माइनस वन. क्या किया हमने, m इंटू a m a, m इंटू d किया तो m d n माइनस वन, और n इंटू a n a, और n का यहां मल्टीप्लाई किया तो n इंटू d n d और n माइनस वन. ओके, मतलब सिंपल है, nth टर्म लिखना है तो हम जब फार्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू d, तो यहां a प्लस n माइनस वन इंटू d, और यहां पर a प्लस m माइनस वन इंटू डी, बस और कुछ नहीं. अब देखिए इसको मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं, सबको इस साइड लेके आता हूं, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर वैल्यू आएगी. करते हैं वैल्यू पुट, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये m है एज इट इज, ये m स्क्वायर d माइनस m d, देखो m m m स्क्वायर, ये d का d और ये m d, ये n है एज इट इज, n स्क्वायर d माइनस n d, इन सबको इधर लेके आओ. क्या होगा ये, देखो m a है, एम ए के पास में ये एन ए को लेके आओ, एम स्क्वायर डी है, ये प्लस एन स्क्वायर डी, इधर आके माइनस एन स्क्वायर डी हो जाएगा, माइनस एम डी है, ये इधर आके प्लस एन डी हो जाएगा, इजी प्लस टू जीरो. क्या हुआ, दो दो की पेयर करो. देखो ये जैसे यहां चल रहा ना, ये जैसे ये मैंने अरेंज किया, देखो ये स्टेप से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अलग नहीं है कुछ. ये दो दो की पेयर बना लो, क्या होगा, यहां पर से ए कॉमन निकालो तो यहां आएगा एम माइनस एन, यहां से d कॉमन निकालो यहां आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. जिस पेयर में माइनस होता है माइनस कॉमन निकालो और d भी कॉमन निकालो, फिर से m माइनस n इज इक्वल टू जीरो. अब क्या करेंगे, m माइनस n यहां है, m माइनस n यहां, यहां m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसको a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में लिख लेते हैं. ये a एज इट इज m माइनस n, ये d, ये होगा m प्लस n, m माइनस n माइनस d, m माइनस n इज इक्वल टू जीरो. m माइनस एन तीनों जगह निकालो कॉमन, तो m माइनस एन कॉमन
उसके बाद यहां क्या बचेगा, a प्लस डी एम प्लस एन, देखो ये निकल गया तो a बचा, ये निकल गया ये वाला, तो d का d m प्लस n बचा, और ये निकल गया तो माइनस d बचा, ठीक है। तो इसे लिखो m माइनस n a प्लस डी एम प्लस एन, और इस d को d इंटू वन लिख दो, d को कॉमन निकालो, यहां पर जीरो इक्वल लिखते चलो भी, ये जीरो के अपॉन में चले जाएगा तो यहां से हट जाएगा, यहां आएगा a प्लस, अब क्या करें यहां से हम, यहां पर m प्लस एन ऐसा कैसे लिखो, माइनस वन, डी को कॉमन निकाल लो बाहर, ये जीरो का इक्वल, क्या किया हमने, ये दोनों जगह डी है, डी को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, इधर इधर निकल गया, यहां क्या बचा एम प्लस वन, यहां बचा वन, और डी यहां आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन बिल्कुल देखो जैसे हमने यहां पर इक्वेशन वन बनाई थी ना, बिल्कुल वैसी आई है, लेकिन यहां पर 2a के फॉर्म में थी, यहां पर a के फॉर्म में, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक। लेट मी इरेज दिस, दो क्वेश्चन एक जैसे देके रखे, सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है कि दैट प्रूव दैट शो दैट द एम प्लस एंथ टर्म, हमें क्या निकालना है, टी एम प्लस एंथ टर्म हमको निकालना है, तो हम n की जगह पर क्या पुट करेंगे, एम प्लस एन पुट करेंगे, तो क्या होगा, tn क्या होता है, वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो t m प्लस एंथ टर्म क्या होगी, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, तो जीरो के इक्वल है, हो गए, तो t m प्लस एन किसके इक्वल हो गए, जीरो के इक्वल हो गए, तो हेंस प्रूफ, देखो यहीं के यहीं प्रूव हो गए, पड़ोस में प्रूव हो गए, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहां देख रखा है रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, 1000 सिंपल इंटरेस्ट पे देख रखा है, ओके। चेक एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी, मतलब वहां पर ये चेक करना है कि जो हर साल के एंड में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो एपी में है क्या, ये पहला काम करना है। If this is an AP, और अगर ये AP है, then find the interest amount after 20 years for this complete the following activity. तो इसके लिए मैंने कुछ पार्ट लिख के रखा है, हालांकि I don't like to write this part, but जैसे टेक्सटबुक में दिया कुछ पार्ट मैंने लिख के रखा है, कुछ पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हमको 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो हमारे पास में P क्या है भाई, P हमारे पास है 1000, ठीक है, 1000 rupees we have. Rate क्या है, rate we have 10%. टाइम तो हम बदल रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लिया, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर वन ईयर, तो 1000, मतलब P की जगह 1000, R की जगह 10, N की जगह 1, करो कैलकुलेट क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल होगा, ये आ गया 100 rupees, ठीक है, इसको आप 100 rupees लिख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, तो हमने N की जगह पर 2 लिखा, बाकी देखिए P की जगह पर तो 1000 ही है, रेट की जगह 10 है, और हमने टाइम की जगह नंबर ऑफ इयर्स की जगह पर 2 लिख दिया, क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 100 ये हो जाएगा 200, ठीक है। 3 years के लिए क्या होगा, यहां पर होगा 1000 × rate तो 10 ही है, टाइम 3 है, अपॉन 100 है, ये 20 से 20 कट जाएंगे, ये आएगा 300, ठीक है। फर्स्ट ईयर 100, सेकंड ईयर 200, थर्ड ईयर 300, तो ये एपी में है, या सिटीजन एपी, या सिटीजन एपी, तो अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4, 5, 6 years विल बी, थोड़ा तिरछा लिखा गया मुझसे, दैट इज 400, 500 एंड 600, चौथे पांचवें छठवें साल के लिए इंटरेस्ट ये होगा। अगर आप इसे देखें तो यहां पर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस क्या है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, a इज इक्वल टू मेरे पास में 100 है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 100 का डिफरेंस चल रहा है सब में, देखो 200 माइनस 100 बोलो तो 100 आ गया, या 300 माइनस 200 बोलो तो भी 100 आया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 20वें साल में उसका इंटरेस्ट निकालना है, क्या बोलता है, देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 इयर्स, तो TN का फार्मूला देके रखा है, TN मतलब N की जगह 20, A की जगह मैं लिखूंगा 100, D की जगह भी मैं लिखूंगा 100, और N की जगह 20 लिखा है, ये 100 प्लस 19 × 100 तो हो गया 100 प्लस 1900, तो इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 इयर्स विल बी 2000 rupees, ओके। बस इतना सा क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 इयर्स विल बी 2000 rupees।
तो बस इस तरह से इसको करना था। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था। एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है ऑलरेडी, सब तो प्रिंट था, सिर्फ कुछ वैल्यू पुट करना थी, यही निकालना था हमको, बाकी तो ये सब सिंपली दे के रखा था। ओके, तो बड़े क्वेश्चंस अगर आते भी है तो डरना नहीं है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। धन्यवाद।